We have completed the development in 9 to 38 week of development. So now we will discuss important clinical correlates regarding this period या फीटल पीरियड हम कह सकते हैं. सो कुछ नॉर्मल बातें पहले देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज़ द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, या फिर हम इसको कहते हैं EDD. अब हम इसको कैसे मैयर करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज EDD इज इक्वल टू LMP. अभी सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं. माइनस 3 मंथ्स प्लस 7 डेज. सो LMP स्टार्ट फॉर द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड. अब इसमें हमने माइनस करने हैं 3 मंथ्स एंड ऐड करने हैं 7 डेज. सो इससे हमें मिल जाती है EDD. ये फॉर्मूला याद रखना. नेक्स्ट इज द वायबिलिटी. वायबिलिटी ऑफ फीटस क्या होता है कि इट्स चांस टू सर्वाइव इन द एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट और आफ्टर पर्टिकुलरली आफ्टर द प्रीमेच्योर बर्थ. That is known as viability. कि वो सर्वाइव कर भी सकता है कि नहीं, या कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं उसमें जो होने ज़रूरी हैं बर्थ से पहले. अगर प्री मेच्योर हो सकता है तो उसकी वायबिलिटी हम फिर देखते हैं कि है कि नहीं है. सो अगर फीटस लेस देन 500 ग्राम है एट बर्थ तो आमतौर पर वो सर्वाइव नहीं करता. इसके अलावा एज ऑफ वायबिलिटी होती है बिटवीन 25th to 28th week, या हम कह सकते हैं कि ये 6th month. सो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ जेस्टेशन हो सकता है इस लिहाज से 2 ईयर्स, और हमने मिनिमम अभी डिस्कस किया कि दैट इज 6 मंथ्स, दैट इज 28 वीक्स. अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हमने पढ़ी थी ये चीज़ बुक में, इस तरह लिखी नहीं हुई, इसको देखनी है. सर्फेक्टेंट की हमने बात की थी कि ये रिक्वायर होता है आपकी नॉर्मल लंग की फंक्शनिंग के लिए, बिकॉज दिस रिड्यूसेस द सरफेस एरिया, और ये ब्रीदिंग के लिए, एयर एक्सचेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अब अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तो फीटस को जो है काफ़ी दुश्वारी होगी, और वो उसकी डेथ भी हो सकती है, हो सकता है कि उस वजह से वायबल ना हो. सो अगर हमें पता होना चाहिए कि सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हो रही है, और अगर हमें पता है कि ये फीटस की अभी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है और उसकी एज ऑफ वायबिलिटी के लिहाज से अगर हम देख रहे हैं कि वो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन उसमें अभी नहीं हुई, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि वहाँ सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन नहीं है, तो हमने इसको एक्सटर्नली देना है. हमें पहले से तैयार रहना चाहिए इस चीज़ के लिए, ये देना ही देना है. अगर आपको पता है कि कितने वीक पे ये सर्फेक्टेंट बनता है, तो उससे पहले तो वो बन ही नहीं सकता. उससे पहले अगर उसकी बर्थ हो गई है तो सर्फेक्टेंट आपको एक्सटर्नली देना ही पड़ेगा. सो इसको याद रखना है. नेक्स्ट इज द अल्फा फीटोप्रोटीन. अल्फा फीटोप्रोटीन की बात करते हैं. अल्फा फीटोप्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड इन द फीटल लिवर, योक सैक एंड द गट. अब ये याद रखना होता है कि इनकी प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे. सो हाईएस्ट कंसंट्रेशन अब कब प्रेजेंट होगी, यानी कि इसकी नॉर्मल रेंज है जिसमें ये प्रेजेंट होती है. अब अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत राइज कर रही है, दैट इज प्रेजेंट इन ओपन न्यूरल ट्यूब, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स प्रेजेंट है. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में आ जाते हैं स्पाइना बायफिडा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की अबनॉर्मेलिटी, या फिर ब्रेन की, दैट इज कॉल्ड एनएनसेफली, यानी कि ब्रेन फॉर्मेशन नहीं हुई क्योंकि न्यूरल कोर का क्लोज नहीं हुआ. सो अल्फा फीटोप्रोटीन हम अगर देख रहे हैं कि ये राइज करिए, तो हमें ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का इंकशाफ हो जाना चाहिए. इसके अलावा अगर स्मॉल एलिवेटेड अल्फा फीटोप्रोटीन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ऑम्फेलोसीन, या और कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ये गट के एसोसिएटेड है. और इसके अलावा ड्यूडिनल एट्रीजिया के तरफ भी इशारा हो सकता है इसका राइज इन अल्फा फीटोप्रोटीन. और अगर ये कम हो रही है, ये भी याद रखना है कि ये कम है देन द नॉर्मल रेंज, देन इट इंडिकेट्स डाउन सिंड्रोम, यानी कि डाउन सिंड्रोम भी पहले से डिटेक्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन. देन इज HCG. HCG क्या होती है, दिस इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली, दैट इज सेक्रेटेड बाय द सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट. जो हमने डेवलपमेंट में पढ़ा था, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है. हम
हमने यहाँ डिस्कस भी किया था जब हमने इस इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लास्ट की बात की थी कि दिस इज़ द अर्लीस्ट डिटेक्टर ऑफ प्रेगनेंसी एट द डेट 10 हमें ये अवेलेबल होता है फॉर डिटेक्शन. इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं उनको फीटल एंटीजेंस. अब ये क्या होते हैं ऑन्कोफीटल एंटीजेंस? आर द सेल सरफेस एंटीजेंस दैट अपीयर इन द एम्ब्रियोनिक सेल्स. अब ये भी कुछ चीज़ों की तरफ इशारा कर सकते हैं कि अब ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन CEA अगर ये ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ एसोसिएटेड विद कोलोरेक्टल कार्सिनोमा. मोर ओवर अल्फा फीटोप्रोटीन ये भी है ऑन्कोफीटल एंटीजन भी है तो जिसकी हमने बात की थी कि ये नज़र हमें ज़्यादा आए तो हमने इसके ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये किसकी तरफ इशारा होता है. नेक्स्ट थिंग इज़ द एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? दैट इज़ द एस्पिरेशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इन ऑर्डर टू डिफेक्ट द फीटल एब्नॉर्मैलिटी सच एज डाउन सिंड्रोम या टी-सेक्स डिजीज या एनीथिंग. दिस इज़ मोस्टली डन बिटवीन द 16th टू 20th वीक. अब इससे पहले हम क्यों नहीं करते? बिकॉज द एमनियोटिक फ्लूइड इज इन वेरी लेस क्वान्टिटी सो दैट इज नॉट सेफ. नेक्स्ट इज द एबॉर्शन. एबॉर्शन एक टॉपिक के लिहाज से कम्प्लीट आ सकता है. ये 2.5 मार्क्स का नोट आ सकता है. आपने इसके बारे में याद रखना है. इसकी एक तो डेफिनेशन है मैं आपको स्पॉन्टेनियस लाजमी लिखना है और डेलीब्रेट क्योंकि ये दो टाइप्स इसकी उसी लिहाज से द स्पॉन्टेनियस और डेलीब्रेट एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस कैन बी एक्सपेक्टेड टू लिव. सो अबॉर्शन की इस लिहाज से दो टाइप्स हैं कि ये स्पॉन्टेनियस हुआ है कि डेलीब्रेट हुआ है. अब डेलीब्रेट में भी आगे किन मकासद से किया गया. इसके अलावा जो हम इसकी टाइप्स करते हैं वो है एम्ब्रियोनिक अबॉर्शन या फिर फीटर. यानी कि ये टाइम पीरियड के लिहाज से है कि बिफोर द 20th वीक ऑफ जेस्टेशन जो है उसको एम्ब्रियोनिक कहते हैं. आफ्टर द 20th वीक हम इसको कहते हैं फीटर. और आमतौर पे फीटल अबॉर्शन के बाद फीटल इज़ वायबल टू लिव और एम्ब्रियोनिक में ज़्यादातर वो सर्वाइव नहीं कर सका. इसके अलावा द नेक्स्ट क्लिनिकल इज ट्विनिंग. ट्विनिंग में क्या होता है? ट्विनिंग भी दो तरह की होती है. एक होते हैं डायज़ाइगोटिक और एक होते हैं मोनोज़ाइगोटिक. अब इनमें क्या फ़र्क है? डायज़ाइगोटिक में होते हैं जब टू ओसाइट्स हैं और वो सेपरेटली उनकी फर्टिलाइजेशन हुई है और इसकी वजह से दो अलग अलग बेबीज प्रोड्यूस हुए हैं. उनका सेपरेट प्लेसेंटा है, सेपरेट कोरियन है, सारा कुछ सेपरेट है और दे डोंट लुक अलाइक ईच अदर मच. अब मोनोज़ाइगोटिक में क्या होता है कि वन ओसाइट है और उसको वन ज़ाइगोट बना और जिसकी बाद में जो है जब क्लीवेज के टाइम वो दो अलग अलग सेल्स डेवलप हुए तो वो दोनों ने अपनी अलग अलग राहें पकड़ ली हैं. उन्होंने अलग अलग डेवलप होने सो दिस इज कॉल्ड मोनोज़ाइगोटिक ट्विन्स. अब इनमें चीज़ें सिमिलर होंगी, फिजिकल अपीयरेंस सिमिलर होगी. अब इनका सेम चीज़ें सारी प्लेसेंटा शेयर कर रहे हैं वन कोरियन लेकिन टू एमनियॉन्स होते हैं आमतौर पे. फिर नेक्स्ट इज द कॉन्जॉइंट ट्विन्स. ये चीज़ अब बहुत इम्पोर्टेंट है. ये एबनॉर्मेलिटी है कि अब ये होती है फ्यूजन बिटवीन द टू ट्विन्स इन द सेम वूम. अब पहली टाइप है इसकी थोरैको फेकस अब इसमें क्या होता है कि दो ट्विन्स आपस में फ्यूज्ड हैं एट द इंटीरियर थोरैसिक रीजन. नेक्स्ट टाइप इज द पाइकोपेगस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है. दिस इज द फ्यूजन एट बैक यानी कि ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है. थर्ड इम्पॉर्टेंट वन इज द क्रेनियोपेगस दैट इज फ्यूजन ऑफ हेड रीजन. सो ये कुछ क्लिनिकल्स थे इम्पॉर्टेंट वन रिगार्डिंग द फीटल पीरियड
सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब.